हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। टुडेज़ टॉपिक इज़ अर्वोवायरस। अर्वोवायरस में आज हम डिस्कस करेंगे इसके पैथोजेनेसिस, प्रॉपर्टीज़, क्लिनिकल फीचर्स। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक अर्वोवायरस से। तो ये क्या होता है कि आर्थ्रोपोड बॉन डिजीज़ होती है, ये आर्थ्रोपोड से ही ट्रांसमिट होती है। आर्थ्रोपोड इसमें वैक्टर का काम करते हैं, ठीक है, वेक्टर का काम करते हैं। तो ये एक जो अर्वोवायरस है वो एक डाइवर्स ग्रुप है, मतलब एक ग्रुप है पूरा आरएनए वायरस का। आरएनए वायरस का एक ग्रुप है जो कि ट्रांसमिट होता है, जो कि ट्रांसमिट होता है वेक्टर से, फ्रॉम द वेक्टर टू होस्ट, ठीक है। जो वेक्टर जो होता है वो आर्थ्रोपोड होते हैं, और जो होस्ट होता है वो वर्टिब्रेट्स भी हो सकते हैं, और इनवर्टिब्रेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो वो होता है, जो ग्रुप होता है आरएनए वायरस का ग्रुप, मतलब हम कैसे कहेंगे, ये जो अर्वोवायरस है, अर्वोवायरस की मतलब फैमिलीज़ होती हैं, फैमिलीज़, जीनस और स्पीशीज़ आपने देखी होंगी। तो फैमिलीज़ में ग्रुप आते हैं, मतलब फैमिलीज़ में बहुत सारे वायरसेस आ जाते हैं उनकी स्पीशीज़ में। तो जैसे कि हो गया चिकनगुनिया वायरस, जैसे टोगो वायरेडी में हो गया चिकनगुनिया वायरस हो गया, और इंसेफेलाइटिस वायरस, मतलब वेस्टर्न और ईस्टर्न इंसेफेलाइटिस वायरस हो गए। तो ये सब उसमें आ जाते हैं, ग्रुप होता है, ठीक है। जैसे डेंगू वायरस हो गया, तो ये फ्लेविवायरिडी में आता है। तो ये पूरा एक ग्रुप होता है जो कि होता है, मतलब आरएनए कंटेनिंग वायरस, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट है इसका, आरएनए वायरस होते हैं सारे के सारे, जो भी इस ग्रुप में प्रेजेंट है वो सारे के सारे आरएनए वायरस होते हैं। ये एक ब्लड सकिंग आर्थ्रोपॉड होते हैं, मतलब ये ब्लड सक करके ये एक दूसरे में वायरस ट्रांसफ़र करते हैं, होस्ट में, मतलब होस्ट में ये वायरस ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे कि इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसके, जैसे कि मॉस्किटो हो गया और इसका हो गया टिक्स, ठीक है। तो जो ये वेक्टर वगैरह होते हैं, इंसेक्ट जो वेक्टर होते हैं वो इंसेक्ट होते हैं। इंसेक्ट का मतलब वेक्टर में कौन कौन सी चीज़ इंक्लूड होती हैं, जैसे कि इंसेक्ट, अब इंसेक्ट है तो इंसेक्ट आर्थ्रोपोड में आते हैं, आर्थ्रोपोड तो हम इसको आर्थ्रोपोड भी कह सकते हैं, ठीक है। वेक्टर्स में हम इसको आर्थ्रोपोड कहें चाहे इंसेक्ट कहें, वो सारे के सारे वो एक ही में आ जाता है। तो जो वेक्टर होगा वो इंसेक्ट या आर्थ्रोपोड होगा, जो कि डिसीज़ ट्रांसफ़र करेगा, जो कि वायरस ट्रांसफ़र करेगा एक दूसरे में, होस्ट में। तो इसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक यही होती है कि ये जो अर्वोवायरसेस हैं सारे के सारे, वो वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं वेक्टर की हेल्प से। तो हम इसमें एक चीज़ देख लेते हैं कि तो मतलब ओवरऑल हमने क्या इसमें क्या हो रहा है एक्चुअली, कि जो वायरस है, वायरस जो है वो वेक्टर में जा रहा है। जैसे कि आप डेंगू वायरस ले लीजिए फॉर एग्जांपल, डेंगू वायरस या चिकनगुनिया वायरस, जो भी वायरसेस हैं, ठीक है, जो भी वायरसेस हैं वो वेक्टर में जा रहे हैं और वो होस्ट में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने नॉर्मली एक साइकिल देखी होगी। तो इसमें जो वायरसेस हैं, वायरस जो कि अर्वोवायरस में जो कि आरएनए कंटेनिंग होते हैं, आरएनए कंटेनिंग वायरस होते हैं, और क्या होता है कि वो, उसके एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे कि डेंगू और चिकनगुनिया। तो ये आर्थ्रोपोड, अब वेक्टर में हम देखते हैं, वेक्टर में क्या होता है, जो वेक्टर्स होते हैं वो आर्थ्रोपोड्स होते हैं। आर्थ्रोपोड्स मतलब इंसेक्ट, उसमें जो मेन रोल होता है उसमें इंसेक्ट का होता है, ठीक है। आर्थ्रोपोड्स में भी इंसेक्ट का जो मेन रोल होता है, ठीक है। और होस्ट में जो हम देखेंगे, होस्ट में जो होते हैं वो वर्टिब्रेट्स भी हो सकते हैं और वो इनवर्टिब्रेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक पूरी साइकिल चलती है। तो ये अब हम देखते हैं कि मतलब इसके थोड़े डेटा देख लेते हैं कहाँ कहाँ मिलता है, मतलब कम से कम 500 आर्थ्रोपोड्स हमको मिले, मतलब इन्फेक्शन कॉज करते हैं वर्टिब्रेट्स में, 500 आर्थ्रोपोड्स वर्टिब्रेट्स में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जिसमें से 100 मोर देन 100 इन्फेक्ट करते हैं ह्यूमंस को, है ना, ह्यूमंस को इन्फेक्ट करते हैं। और इंडिया में 40 अर्वोवायरस ऐसे हैं जो कि डिटेक्ट किए गए हैं, और 10 वायरसेस ऐसे हैं जो कि ह्यूमन डिजीज करते हैं।
ठीक है, 10 अरबो वायरस ऐसे हैं जो कि ह्यूमन डिजीज़ करते हैं। तो सॉरी, मतलब वो मैंने मतलब मैंने देख नहीं पाया, तो एक और बार फिर तो बोल देते हैं कि वो 500 आर्थ्रोपोड्स हमको हमने ऐसे देखे हैं जो कि वर्टिब्रेट्स में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, और मोर देन 100 वायरसेस ह्यूमन ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब एक वो वर्टिब्रेट्स भी होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स भी होते हैं, आपने वो भी देखे होंगे। तो मोर देन 100, तो मतलब वर्टिब्रेट्स में क्या होता है कि हमें बहुत सारी वो देखने को मिलते हैं, जैसे ह्यूमन हो गया, एनिमल्स हो गए, तो ये सारे के सारे हमको देखने को मिलते हैं। तो मोस्टली मोर देन 100 जो वायरसेस होते हैं वो ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हैं। और इंडिया में जो मिले हैं 40 अरब वायरस डिटेक्ट किए गए हैं, जिसमें से कि 10 वायरस ह्यूमन डिजीज़ करते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। इसमें प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है कि ये मतलब वही पहले का जो देखा जाएगा कि सारे के सारे आरएनए वायरस होते हैं। साइज़ होता है इसका 40 to 100 नैनोमीटर, और स्फेरिकल इन शेप, ये स्फेरिकल होते हैं शेप में। ठीक है, और ये आर्थ्रोपोड में मल्टीप्लाई करते हैं और टिक्स, जैसे कि टिक्स और मॉस्किटो, ठीक है, मॉस्किटोज में देखा जाता है ये, है ना। तो ये होता है, और इसमें जो आरएनए वायरस होता है, आरएनए वायरस एक ब्लड सकिंग आर्थ्रोपोड से ट्रांसमिट होता है, जिसको हम वेक्टर कहते हैं, और वो वन वर्टिब्रेट से अदर वर्टिब्रेट्स में जाता है। अब इसमें माइस जो होता है, माइस की अगर हम बात करें तो हम जो आइसोलेशन प्रोसेस के लिए जो हम जब हम वायरस का आइसोलेशन करते हैं तो उसमें जनरली माइस को यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये रिसर्च पर्पस, जो आइसोलेशन होता है वो रिसर्च पर्पसेस के लिए होता है। और आप ये तो जानते ही होंगे कि है ना, माइस को कितना एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें ये हीट लेवाइल होता है, तो ये इनएक्टिवेट हो जाता है रूम टेम्परेचर पे। हीट लेवाइल का मतलब होता है कि ये हीट लवर होता है। अगर इसको हीट मिलेगी तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये रूम टेम्परेचर पे तो इनएक्टिवेट रहता है, अगर इसको 70 डिग्री तक का टेम्परेचर मिलेगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब बात करते हैं पैथोजेनेसिस की। पैथोजेनेसिस में हम देखेंगे वेक्टर जो होता है वो वर्टिब्रेट्स को बाइट करेगा, है ना। वेक्टर में मतलब आप मान लीजिए, वेक्टर में मॉस्किटो मान लीजिए, और वर्टिब्रेट्स मान लीजिए आप ह्यूमन को। ठीक है, तो वेक्टर्स में ये जो वेक्टर्स जाएंगे वो ह्यूमन को बाइट करेंगे, और फिर ये वहाँ पे ब्लड में ये मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ब्लड में ये मल्टीप्लाई करेंगे, बॉडी में मल्टीप्लाई करेंगे। अब वो फिर उसको, जिसको हम वायरेमिया कहते हैं, तो वायरेमिया क्या होता है कि वायरस जो होते हैं वो ब्लड में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम वायरेमिया बोलते हैं। और फिर जो वायरस है ब्लड से, वो टारगेट ऑर्गन पे जाएंगे। टारगेट ऑर्गन मतलब, जैसे अगर वो सीएनएस पे जाता है तो वो इंसेफलाइटिस कॉज करता है, अगर वो लिवर पे जाता है तो वो येलो फीवर कॉज करेगा, और अगर वो कैपिलरी एंडोथेलियम में अगर रह जाता है तो एक्ट करेगा, तो फिर वो वहाँ पे हेमरेजिक फीवर कॉज करेगा। ठीक है, तो ये हो गई इसकी पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में तो वही है कि वेक्टर आके ह्यूमन को बाइट करेगा, होस्ट को बाइट करेगा, और फिर वहाँ पे वो मल्टीप्लाई करेगा ब्लड में मल्टीप्लाई करके वो टारगेट ऑर्गन को अफेक्ट करेगा। ठीक है, और इसमें फिर देखते हैं कि ये वायरस जो है वो वर्टिब्रेट्स को भी इन्फेक्ट करता है, इनवर्टिब्रेट्स को भी इन्फेक्ट करता है। ये वर्टिब्रेट्स में वायरेमिया इनिशिएट करता है, मतलब वायरेमिया से इनिशिएट होता है, और ये इनवर्टिब्रेट्स में जो सेलेवरी ग्लैंड्स होते हैं उनको इन्फेक्ट करता है। ठीक है, सेलेवरी ग्लैंड में इन्फेक्शन करता है। अब ये है कि विंटर में जब इसकी साइकिल नहीं चल रही होती तो ये वायरस के एग में ही रहता है, या फिर ये माइग्रेट कर जाता है बर्ड के थ्रू। ठीक है,
बात अब इसकी एक साइकिल देख लेते हैं। दो दो तरीके की साइकिल होती हैं, दैट इज़ सिल्वेटिक साइकिल और अर्बन साइकिल। सिल्वेटिक साइकिल जो होती है वो जंगल में होती है, और अर्बन साइकिल जो होती है वो अर्बन एरियाज़ में होती है, ठीक है। तो सिल्वेटिक साइकिल्स में हमको देखने को मिलता है कि जो वायरस है वो मंकी से आर्थोपोड्स में जाता है, आर्थोपोड्स से ह्यूमन में जाता है, तो हमको ये साइकिल देखने को मिलती है। अर्बन एरियाज़ में हम देखते हैं कि ह्यूमन से आर्थोपोड में फिर ह्यूमन में। तो जैसे कि अब मॉस्किटो तो ले लीजिए यहाँ पे आर्थ्रोपोड, तो वो ह्यूमन को बाइट करेगा, फिर वो ह्यूमन से फिर वो आर्थ्रोपोड में जाएगी, फिर वो ह्यूमन में जाएगी, फिर वो नेक्स्ट नेक्स्ट होस्ट देखेगा तो वो वहाँ पे उसको ट्रांसमिट कर देगा जो वायरसेस हैं। तो ट्रांसमिशन साइकिल देखते हैं हम। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, तो यहाँ पे हमने दो तरीके की साइकिल देखी, एक तो मंकी आर्थ्रोपोड ह्यूमन वाली और एक ह्यूमन आर्थ्रोपोड ह्यूमन वाली, ठीक है। ये ह्यूमन मतलब आर्थ्रोपोड मतलब आप वेक्टर्स लेके देख लीजिए और ह्यूमन को आप होस्ट मान के देख लीजिए, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसमिशन साइकिल में तो हम ये देखते हैं, मैन आर्थ्रोपोड मैन वाली साइकिल तो ये हुई जो कि अर्बन एरियाज में होती है, जो कि डेंगू में देखी जाती है, जो हमें डेंगू वाली बीमारी होती है हम उसमें ये देखते हैं। और इसमें जो कि होस्ट होता है वो मैन होता है और जो वेक्टर होता है वो आर्थ्रोपोड होता है। आर्थ्रोपोड ये वाली साइकिल हमको डेंगू फीवर और येलो फीवर में देखने को मिलती है। अब हम ये वाली साइकिल एनिमल आर्थ्रोपोड मैन वाली साइकिल हम देखते हैं कि वैसे तो ये जनरली जनरली इसमें ही चल रही होती है, मॉस्किटो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं मॉस्किटो और पिक का, तो ये जनरली इसी में चल रही होती है, मॉस्किटो और पिक में ये ट्रांसमिट होती रहती है। लेकिन कभी कभी अगर मॉस्किटो बाइट कर ले मैन को तो ये उसमें भी ट्रांसमिट हो जाती है। तो इस तरीके से इसकी हमें ट्रांसमिशन साइकिल देखने को मिलती है। तो देखते हैं हम इसकी क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में अगर हम देखें तो जो फीवर है, फीवर, सीवर, जॉइंट पेन और एर्थ्रेल्जिया, ये हमको मोस्टली देखने को मिलता है। ये तो मेन है ही कि ये तो हमें इसके फीचर्स मिलेंगे मिलेंगे। बाकी में हमको लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलती है, कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलता है, मैक्यूलो पैपुलर रैश देखने को मिलते हैं, रैशेज देखने को मिलते हैं, और इंसेफलाइटिस और हेमरेजिक फीवर देखने को मिलता है। लिम्फेडिनोपैथी क्या होता है कि जो लिम्फ नोड्स होती हैं वो साइज में हमें अबनॉर्मल मिलती हैं, कंजक्टिवाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टाइवा, और मैक्यूलो पैपुलर रैश जो होते हैं वो लिजन होते हैं, स्किन लिजन होते हैं, या तो वो फ्लैट होंगे, जैसे अब ये स्किन हो गई तो या तो वो फ्लैट होंगे या फिर रेज्ड होंगे, है ना। तो ऐसे करके हमें ये रैशेस देखने को मिलते हैं। इंसेफलाइटिस में देखें तो वो ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है जो कि वायरस की वजह से होता है, और हेमरेजिक फीवर देखने को मिलता है। तो आज के टॉपिक में इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके क्लासिफिकेशन देखेंगे, और जो ये जो वायरस डिफरेंट डिसीजेस कॉज करते हैं जैसे कि इंसेफलाइटिस, डेंगू, यही सब हम देखेंगे। तो नेक्स्ट, और हम इसका एक जो लेक्चर है लैब डायग्नोसिस वाला, हम उसको अपलोड कर चुके हैं। अगर आपको वो देखना हो, तो आप लैब डायग्नोसिस पढ़नी हो आपको, तो इसकी आप लैब डायग्नोसिस भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।